बाद वो 11/3/12 को ये इन्वेस्टिगेशन सुनील तेलुरे पीआई के पास दिया गया। वो दरमियान उनको और दो मर्डर केस हुए इनके हाथ से, उसका भी मालूमात हुई और उसके अलग अलग क्राइम उन्होंने दर्ज करवाए। फिर इसके बाद में 31/5/4 को तात्कालीन बोले तो भूतपूर्व कमिश्नर और स्पेशल आईजी संजय कुमार साहब ने मौका लगाने, इन्होंने सिफारिश की तो मौका लगाया। उसके बाद में वो जो मौका का है वो केएस भवरे जो है एसीपी उनके पास उसके इन्वेस्टिगेशन दिया गया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके 25/8 को उस बीच दरमियान संजय कुमार साहब ने 3 आरोपी जो है उनका मौका के अंतर्गत मौका के तहत 18 सेक्शन 18 मौका उसके कबूल बोल तो कन्फेशन स्टेटमेंट लिए 3 लोगों के, तो उन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट दिए और पूरा इन्वेस्टिगेशन करके 25/8/2012 को ये चार्जशीट जो पर 23/2 मौका के तहत के एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र स्टेट जावेद खान साहब उनके पास भेजा। उन्होंने वो सितंबर में 11 सितंबर को मौका की परमिशन दी। उसके तहत उसके बाद उन्होंने चार्जशीट दाखिल की 11 आरोपियों के खिलाफ और उसमें से 8 तो प्रोसिक्यूशन ने 63 विटनेस एग्जामिन की, उसमें से 11 होस्टाइल हो गए और बाकी स्टिकअप थे 42। तो इनके खिलाफ 364 आईपीसी और 201 आईपीसी के तहत और मौका के तहत इनके खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो सिद्ध किया प्रोसिक्यूशन ने, प्रूव हुए तो 8 लोगों के खिलाफ प्रूव हुए और 3 लोगों को बाज़ब बरी किया गया। तो जिनके खिलाफ हुआ वो एक्यूज नंबर है इमरान मेहंदी उर्फ इमरान मेहंदी शेख नासिर, 2 नंबर का है सैयद नाजेर अली सैयद नासिर अली, 3 नंबर है शेख इमरान उर्फ सुल्तान शेख सैफुद्दीन, 4 है सैयद जहीर उर्फ शेरा बाखर कुरेश, 5वें नंबर पे नुमान खान अब्दुल कयूम खान, 6 नंबर पे जुबैर खान शब्बीर खान, 7वें नंबर पे हबीब खालिद हबीब मोहम्मद और 8वां है फरीद खान फिरोज खान। इनको 364 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा और 5000 रुपये फाइन, 5000 रुपये नहीं भरा तो 3-6 महीने की सजा। फिर इन्हीं 8 लोगों को 302 के तहत उम्र कैद की सजा और 5000 रुपये ईच और 5000 रुपये नहीं भरे तो 6 मंथ का आगे सर, और 201 के तहत आईपीसी 201 के तहत जो एविडेंस जो है ख़त्म करना उसको उसके तहत 1 साल की सर और 1000 रुपये ईच ऐसा फाइन 8 लोगों। फिर मौका सेक्शन 3(1) के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा और 5,00,000 रुपये ईच फाइन किया गया और मौका कलम 3(2) के तहत फिर लाइफ 5,00,000 रुपये ईच फाइन, फिर मौका कलम 3(4) के तहत 5,00,000 रुपये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5,00,000 रुपये ईच ऐसा फाइन किया गया। तो टोटल 1,01,20,11,000
हाँ, 1,20,00,000 88,000 ऐसा फाइन इन सब मिलके हुआ। आठ आरोपी, आठ आरोपी, और जो तीन आरोपी बरी हुए उनके नाम? वो तीन आरोपी जो बरी हो गए, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद सादिक, शेख हसन, शेख हुसैन और मोहम्मद आशफाक आशु उर्फ आशु अजम खान।